द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आप देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह चुप रहे, कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं के सब, बड़े अच्छे समय से आए हो, संभवतः शरीर छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में ही टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया, संभवतः नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा करीब आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्ते कर्ण का वध, ये सब उचित था क्या। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, या तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है, या छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों पर अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था, हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया कृष्ण। कृष्ण ने कहा, पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे, तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं, उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह, कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह, तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव, और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है। कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है, सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या, सब पांडवों को ही करना पड़ा ना, यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से
यही परम सत्य है। कृष्ण की बातों को सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस पृथ्वी पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना मूर्खता होती है।